हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ फ्लूइड्स लेक्चर नंबर 5 के साथ। आज फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है, तो आइए फटाफट से फिनिश ऑफ करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, फ्लूइड स्टैटिक्स को। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? मैंने आपको पढ़ाया था बॉयंट फोर्स, जो कि कितना होता है रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, है ना बेटा? कैसे प्रूफ किया था मैं आपको याद दिलाया था बेटा, मैथमेटिकल भी मैंने प्रूफ किया था और एक डायरेक्टली भी किया था। मैंने प्रूफ बेटा सिलेंड्रिकल बॉडी मान के एक मैथमेटिकल करके दिखाया था, लेकिन मैंने कहा था कि कोई भी जनरल बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी हो, है ना, बॉयंट फोर्स तो रो वी जी आएगा। ऐसा कैसे बेटा मैंने मैथमेटिकली कैसे किया था, पहले वो याद दिला देता हूं आपको मैं। मैंने कहा था मान लो कि टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है, मान लो वो P1 है, तो नीचे को फोर्स आएगा P1A, और अगर ये हाइट h है तो यहां से बेटा जो ऊपर को फोर्स आएगा वो आएगा P1 plus rho gh, यहां पे प्रेशर h हाइट नीचे जाके rho gh से बढ़ जाएगा into a, बताया था ना। और बेटा साइड से जो फोर्सेस आएंगे, है ना, ये आप देख रहे हो एरो के साइज बड़े हो रहे नीचे आते आते, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा, प्रेशर इंटू एरिया ज्यादा, पर साइड वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट क्या आएगा, पी वन प्लस रो जी एच ए माइनस पी वन ए, तो ये बन जाएगा रो जी एच ए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बन गया रो वी जी। ठीक है, रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, या इसको हम बोल सकते हैं अगर इतनी जगह पे पानी भरा होता तो उसका मास क्या होता, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इनटू जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। पर ऐसा हम क्यों कह पाते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना? अगर बेटा डिटेल में बॉयंसी देखना हो तो बेटा पिछला लेक्चर मेरा ओपन अप करके देख लीजिए, नहीं तो बेटा मैं बस आपको यही कहूंगा लेक्चर नंबर 4 में मैंने बॉयंट फोर्स बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन किया थॉरली, जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं ताकि इस पे क्वेश्चन अब कराने वाला हूं, है ना। और अगर मैंने कहा कि अगर मान लो यहां पे बेटा लकड़ी हो, लोहा हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, बॉयंट फोर्स तो उतना ही आएगा, क्योंकि बॉयंट फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया के कारण पीडीए 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 के समेशन से आ रहा है, पीडीए 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 के समेशन से आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कह सकता हूं पीडीए का समेशन है बॉयंट फोर्स, तो अगर पीडीए का समेशन है बॉयंट फोर्स, तो अगर आपको बॉयंट फोर्स निकालना है तो बेटा बस मैं आपको कह रहा हूं कि ये कौन सा मटीरियल है, ये स्टोन है, ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये तांबा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी हो वो तो उतना ही आएगा पीडीए का समेशन। और अगर यहां पे वाटर भी हो तो भी बेटा उतना ही आएगा, पर वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, पर वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम होगा, वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब वाटर का जो वेट होगा, मतलब वाटर का जो वेट होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, उतना ही इस पे बॉयंट फोर्स भी होगा, तभी वाटर इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, लकड़ी हो, लोहा हो, कुछ भी हो, प्रेशर तो, फोर्स तो है प्रेशर इनटू एरिया का समेशन, पीडीए पीडीए का समेशन। तो प्यारे बच्चों अगर वो उतना ही आना है, तो मैं कह रहा हूं वाटर की ही बॉडी अज्यूम कर लो टेढ़ी मेढ़ी, तो भी उतना ही आएगा, तो अगर उतना ही आएगा तो वाटर तो भी उतना ही आएगा, लेकिन वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम में, मतलब वाटर का जितना वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स होगा। कह दो आया आया, बहुत शानदार। और अगर ये एक्सेलरेटेड हो, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, तो मैं बस ये कहूंगा रो वी जी के बदले रो वी जी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना, लेकिन तब भी इसकी रिस्पेक्ट में, कंटेनर की रिस्पेक्ट में, तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहां पर भी रो वी जी इफेक्टिव आ जाएगा, तब भी ये तो कहेगा इक्विलिब्रियम में, तो जितना नीचे को आ रहा है तब ये कहेगा उतना ही ऊपर को भी आ रहा है, ये कहेगा तब भी उतना ही ऊपर को भी आ रहा है इसकी रिस्पेक्ट में, तब भी इक्विलिब्रियम है। मतलब आपको क्या करना है, वो बॉडी की जगह फ्लूइड रख दीजिए, अब उस पर कंटेनर की रिस्पेक्ट में जो फोर्सेज आ रहे हैं रियल सूडो दोनों मिला के, है ना, तो उतना ही बस आपको फोर्स लगा देना अपोजिट डायरेक्शन में, यही बॉयंट फोर्स है ना। ऐसा क्यों, मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, अगर कंटेनर रेस्ट में होता तो बेटा लिक्विड होता तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता, लिक्विड होता तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए होगा प्यारे बच्चों बताएंगे, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए होगा, अगर लिक्विड होता तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो जो उसका वेट होगा या जो उस पर फोर्सेस लग रहे हैं उतना ही लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, तभी तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, है ना। ये कहानी थी बेटा जो मैंने कल तक आपके साथ चर्चा करी, वो पूरी की पूरी चर्चा मैंने थोड़ा सा कोशिश करी समराइज करने की, और वो बॉयंट फोर्स लगता कहां पे है, अगर वहां पे उस जगह पे पानी होता तो पानी का जहां सेंटर ऑफ मास होता वहां पे लगाते हैं, क्यों, तभी इक्विलिब्रियम, तभी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बेटा पानी होगा तो बेटा आप इसको पानी को अगर पानी में हाथ डालो और पानी को टिल्ट कर दो ऐसे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हाथ आपका वापस आने की कोशिश करे या पानी आपको कहे कि नहीं भी वापस चल। अगर ऐसा हो, अगर आप पानी में हाथ डाले और आपने पानी को मोड़ा ऐसे, पानी को अगर मान लो पानी में हाथ डाल के ऐसे आपने किया, है ना,
तो ऐसे मैंने एयर को किया, अभी एयर मेरे को वापस नहीं लेके आना चाह रही, तो पानी अगर वापस लाने की कोशिश करे तो बेटा तुरंत चप्पल हाथ में लो और दौड़ो, ठीक है ना। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, ये तो मजाक की बात है, लेकिन मतलब पानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसका मतलब जहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड होगा वहीं पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, है ना, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे होते, मान लो एक यहां पे होता एक यहां पे होता, मान लो बॉयंट फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां पे होता और सेंटर ऑफ मास यहां पे होता, तो जब आप टिल्ट करते तो ये सेंटर ऑफ बॉयंसी पे एफबी जो लगता है इधर लगता और सेंटर ऑफ मास पे एमजी लगता इधर, तो ऐसे करने पे वापस आना चाहता। और अगर ऐसा होता कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होता, सॉरी सेंटर ऑफ मास ऊपर होता और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे होता, तो बेटा क्या होता, हल्का सा टिल्ट करने पे तो इसकी तो मतलब समझ रहे ना, इसके तो प्राण ही निकल जाते, घूमता ही चला जाता, हल्का सा हाथ को हिला तो घूमता ही चला जाता है ना। तो बेटा ऐसा भी नहीं होता, तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ऐसा तभी हो सकता है ना हो जब दोनों एक ही जगह पे हो, कि जब आपने बॉडी को घुमा भी दिया तो भी वो वहीं के वहीं पे एक ही जगह पे लग रहे हैं, तो बॉडी मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि दो फोर्सेस हैं इक्वल हैं, अपोजिट हैं और सेम लाइन के अलोंग हैं हमेशा, इसलिए टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क तो तब आता है अगर मान लो ये पेन है, मैं एक फोर्स इधर लगाऊं एक फोर्स इधर तो घूम जाएगा, पर अगर दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो, है ना, फिर तो नहीं घूम रहा ना। अब दोनों मैंने एक ही पॉइंट से लगा तो नहीं घूम रहा, सेम लाइन के अलोंग तो नहीं घूम रहा, तो नहीं घूम रहा, इस उंगली से इधर को खींच रहा हूं नहीं घूम रहा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्टार्टिंग छोटे से क्वेश्चन से करूंगा और हल्के हल्के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहूंगा। हाँ डेफिनेटली फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, तो इसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कराना चाहता हूं, पहले फटाफट से लेके उससे पहले मैं बोर्ड को चमकाना चाहता हूं। चलिए तो बेटा बोर्ड को चमकाया जाए, जगह बनाई जाए बहुत शानदार तरीके से। देखिए प्रदीप सर मिटोते चले जा रहे हैं, बहुत शानदार और जगह बन चुकी है। अब बेटा एक एक करके सवाल चालू करते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ को मूव करना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वॉटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस आउटसाइड द वॉटर। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, बेटा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या था, वन में से कितनी वॉल्यूम, है ना। मैंने कल भी बताया था बेटा, 5 फुट मान लो किसी की हाइट थी, है ना, एक साल बाद 6 फुट हो गए, तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इंक्रीज आया 1 फिट, दिस इज इंक्रीज, 5 में इतने का इंक्रीज आया, 5 फिट में इतने का इंक्रीज आया, तब 6 फिट हुई, तो 1 फिट में जो इंक्रीज आएगा, 1 में जो इंक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल इंक्रीज, ठीक है, 1 में इंक्रीज, है ना। अगर मान लो किसी का मास था मान लो 100, है ना, और उसने बड़ी मेहनत करी, है ना, पूरी मतलब जी जान एक कर दी, है ना, अपने वेट पे फोकस किया उसने, है ना, और उसने एक साल में अपना वजन 200 किलो कर लिया, कितना कर लिया 200 किलो कर लिया, तो 100 से 200 हो, तो इंक्रीज कितने का है प्यारे बच्चों, 100 का इंक्रीज कितना है प्यारे बच्चों, 100 का, 100 में 100 का इंक्रीज, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या हो जाएगा, 1, फ्रैक्शनल इंक्रीज 1, 100 से 200, 100 से 200, 100 में 100 का इंक्रीज, 1 में 1 का इंक्रीज, आया आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या था, ये है पानी, ये है आइस, ठीक है ठीक है, अब कितना पानी में, बेटा देखो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, चुपचाप से सॉल्व करना है। तरीका क्या है बेटा, देखो मान लो कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर है, मान लो स्मॉल वी वॉल्यूम पानी के अंदर और कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम, तो रो एल इंटू स्मॉल वी इंटू जी, ये हो गया पॉइंट फोर्स, और रो सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, मतलब या टोटल वॉल्यूम कह लीजिए इंटू जी, ये हो गया वेट नीचे, ये हो गया नीचे। अब बेटा नेट फोर्स जीरो कर दीजिए, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल ऑफ वॉल्यूम, मस्ट वी पानी में है, वी में से वी भी में से, तो वन में से कितनी पानी के अंदर है, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, रोहो सॉलिड बाय रोहो लिक्विड, ये हो गया फ्रैक्शनल, रोहो सॉलिड बाय रोहो लिक्विड आएगा नीचे, तो हम सॉरी ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। अब इसकी डेंसिटी देखिए 900, इसकी 1000, तो ये आ गया 0.9, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो वन
में से 0.9 पानी के अंदर, तो बाहर कितना है? तो 0.9 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज समर्ज्ड इन वाटर एंड 0.1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज आउटसाइड वाटर. तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड वाटर इज 0.1, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड वाटर इज 0.9. इसीलिए बेटा टाइटैनिक डूब गया था, है ना, क्योंकि भैया वो तो भैया शाणापंती दिखा रहे थे, है ना, आई कैन स्मेल आइस, याद है ना, टाइटैनिक मूवी में आया था. तो लेकिन होता क्या है बेटा, दिखाई तो ऊपर तो बहुत कम होता है, अंदर बहुत ज्यादा होता है. तो ऊपर से छोटा सा टुकड़ा दिख रहा होता है, अंदर बहुत बड़ा है. तो फिर क्या होगा बेटा, टक्कर होगी. तो बेटा क्या होगा, घमासान टक्कर होगी भैया, है ना. तो आइए बढ़ते हैं इसी बात पे आगे. अगली बात, अगला सवाल, ठीक है भैया, वो देखें. अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अ पीस ऑफ आइस हैविंग अ स्टोन इन अ ओके हैविंग अ स्टोन फ्रोजन इन इट floats in a glass filled with water, how will the level of water in the vessel change when the ice melts? अरे यार, तो कल भी बताया था मैंने आपको कि बेटा अगर आइस के अंदर बर्फ है, आइस के अंदर अगर कोई पत्थर है, है ना, तो अगर जब आइस पिघलेगी तो वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा. तो बेटा वाटर लेवल मैंने कल भी आपको समझाया था कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो आइस होती है बेटा उसकी डेंसिटी कम होती है. पिछले क्वेश्चन में भी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बेसिकली उसमें कुछ छोटे 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 क्या होते हैं, होल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, है ना, आप समझ सकते हैं, उसमें एयर ट्रैप होती है ना. और अगर खाली प्योर आइस हो तो फिर तो बेटा ना तो वाटर का लेवल बढ़ेगा ना घटेगा. ये हमारा ग्लास है ना, इसमें ये बर्फ है. क्यों ना बढ़ेगा ना घटेगा बेटा, इसलिए क्योंकि इसका जो वेट है, इतनी आइस का वेट नीचे को लग रहा है और इतने पानी का वेट ऊपर को लग रहा है, बॉइल्ड फोर्स, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. अब बेटा इतने पानी का वेट बेसिकली इतनी आइस के वेट के बराबर है, मतलब इतना आइस का मास इतने पानी के मास के बराबर है, मतलब इतना आइस जब पानी बनेगी तो इतना बनेगी. आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, कोशिश करिए. तो अगर प्योर आइस होगी तो यहां से यहां तक मतलब आराम से ऑक्यूपाई कर लेगी. ऐसा क्यों होगा कि बेटा, मतलब कैसे ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि यहां पे वैक्यूल्स होते हैं कुछ, तो जब ये पिघलेगा तो ये इसमें घुस जाएगा और उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. पर इस पे इसके अंदर पत्थर है या इसके ऊपर पत्थर रख दो, पत्थर अगर ऊपर रख दें फिर क्या होगा, मान लो कि पूरी कंप्लीटली आइस अंदर चली गई, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, जब ये आइस पिघलेगी तो जो वैक्यूल्स हैं उसको भरने के लिए क्या आएगा, यही पानी आएगा. अब जब पानी इसके अंदर जाएगा, मतलब अब क्या होगा, अब बेटा पानी कुछ इसने खींच लिया तो क्या होगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा. तो अगर पत्थर अगर आपने ऊपर रख दिया तो बेटा पानी का लेवल कम होगा जब आइस पिघल जाएगी उसके बाद, है ना. बाकी अगर बेटा ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, कंप्लीट डिस्कशन देखना हो तो मेरे कल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है. आज नए क्वेश्चंस पे ही फोकस करना चाहूंगा. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एन ऑर्नामेंट वेइंग 50 ग्राम इन एयर वेज ओनली 46 ग्राम इन वाटर. बेटा मैं क्वेश्चन इस पे थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ. रीजन बिल्कुल सिंपल है, साफ है, क्लियर है, क्योंकि बेटा ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आइए देखिए बेटा, अब बात कर रहे हैं ज्वेलर्स की, है ना. अब देखिए ये ज्वेलर्स पे क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं मान लो कि कोई ऑर्नामेंट है ना, गहना वेइंग 50 ग्राम इन एयर वेज ओनली 46 ग्राम इन वाटर, 46 ग्राम पानी के अंदर जाके उसका वजन हमको फील होता है, क्योंकि बॉयंट फोर्स लग जाएगा इसलिए कम वेट कम वेइंग मशीन कम मेजर करेगी. बिल्कुल सही बात है. एज्यूम दैट सम कॉपर इज मिक्स्ड विद गोल्ड टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट, हाउ मच फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट. पहली बात है ना, 50 ग्राम टोटल है, उसमें कॉपर कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड की जो दे रखी है वो दे रखी 20 और कॉपर की जो दे रखी है वो 10 दे रखी है. कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है प्यारे बच्चों, 10 और गोल्ड की दे रखी 20, ठीक है. अब मान लो कि उसमें m ग्राम कॉपर है, दैट इज 50 माइनस m ग्राम क्या है, उसमें गोल्ड है. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट. अब मास अपॉन डेंसिटी ये किस में है, ग्राम में, तो पहले किलोग्राम में कर दो, ठीक है. अब डेंसिटी कितनी है बेटा, कॉपर की डेंसिटी है 10, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 10 इंटू 10 की पावर 3, मास अपॉन डेंसिटी ये क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम, रो वी जी, रो 10 की पावर 3 ये हो गई वॉल्यूम इंटू जी. नहीं आया समझ में, फिर बताऊं बेटा. देखो मास ग्राम में था, m 50 में से m ग्राम मान लो कि कॉपर है, मास अपॉन
डेंसिटी, सॉरी ये हो गया किलोग्राम में मास, m अपॉन 1000 ये हो गया किलोग्राम में मास अपॉन डेंसिटी, 10 इंटू 10 की पावर 3 ये हो गया वॉल्यूम, रो वी जी ये बॉयंट फोर्स आ गया, और 50 माइनस m ग्राम का गोल्ड है तो किलोग्राम में कितना हो गया इतना अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 20 इंटू 10 की पावर 3 आया, बिल्कुल आया, ये हो गया वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी से आ गया वॉल्यूम, ये मास इन किलोग्राम, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम, रो वी जी 10 की पावर 3 वी जी, जी क्या होगा बेटा 10 है ना, ये हो गया बॉयंट फोर्स, और बेटा बॉयंट फोर्स बेटा पता कितना आ रहा है, कह रहे 50 ग्राम एयर में था और उसमें जाके 46 ग्राम आया, तो 4 ग्राम मतलब 4 ग्राम का जो वेट होगा उतना बॉयंट फोर्स आ रहा है, मतलब अब 4 ग्राम, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 50 ग्राम था, वेइंग मशीन ने रीड किया 50 ग्राम, अब वेइंग मशीन को पानी में रख दिया, पता नहीं कैसी बुड़बकपंती चल रही है, तो बेटा अब ये मेजर कर रही है 46, क्यों, क्योंकि बेटा mg तो वही है लेकिन 4 ग्राम के इक्विवेलेंट एक बॉयंट फोर्स है, तो 4 ग्राम किलोग्राम में कितना हो गया 4/1000, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, अब 4 ग्राम mg कर दीजिए, बस इतना ही तो काम हो गया, मतलब जो बॉयंट फोर्स आया होगा टोटल वो इसके बराबर कर दीजिए, यहां से जी जाएगा काट के ले आओगे भाई, 1000 गया 1000 गया 1000 गया, बहुत शानदार, 10 की पावर 3 वो भी जाएगा, काटते जाए बस, जी तो कटता था कट गया, तो बचा क्या बेटा m by 10 प्लस 50 माइनस m by 20 इज इक्वल्स टू 4, अब ऐसा करो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उड़ेगा ये 2 आएगा, ये क्या हो गया 80, तो हो क्या गया 50 प्लस m is equals to 80, तो m कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 30, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा डर लग रहा हो तो, है ना, तो m आ गया प्यारे बच्चों 30, इसका मतलब 50 ग्राम में 30 ग्राम कॉपर था बेटा, है ना, तो चलिए बेटा ये खाली क्वेश्चन है, अगर मतलब अगर आप ज्वेलर हैं तो ऐसा ना सोचे कि ऐसा करा जाता है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेरे को भी नहीं पता था कि ये आंसर आने वाला, चलिए बढ़ा जाए आगे, कह रहे टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, है ना, आई होप ये मैं आपको समझा पाऊंगा बेटा, क्वेश्चन क्या था 50 ग्राम आ रहा था बेटा एयर में वेट और वाटर में आ रहा है 46 ग्राम, तो 4 ग्राम कम आ रहा है क्योंकि मतलब जो 4 ग्राम अगर कम आ रहा है क्योंकि कुछ बॉयंट फोर्स लगा होगा, तो वो बॉयंट फोर्स जो लगा होगा वो 4 ग्राम वेट के बराबर लगा होगा, तो बॉयंट फोर्स कैसे निकाला बेटा, मान लो कि 50 में से m ग्राम कॉपर है तो 50 माइनस m ग्राम गोल्ड है, मास ग्राम में अपॉन 1000 किलोग्राम में अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम, रो वी जी बॉयंट फोर्स, सिमिलरली मास ग्राम में अपॉन 1000 किलोग्राम में मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम गोल्ड वाले पार्ट की, रो वी जी ये बॉयंट फोर्स, 4 ग्राम कम हुआ था 4 अपॉन 1000 किलोग्राम में हो गया इनटू जी, जितना वेट मतलब 4 ग्राम का जो वेट होगा जितना कम हुआ, जितना कम होना चाहिए था और इतना कम हुआ इसके बराबर कर दिया, बस यहां से एम ए की अननोन था फटाक से निकाल लिया, चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये फटाफट से देख लेते हैं, काम खत्म करते हैं निपटाते हैं, अगला क्वेश्चन है टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग अ सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड एज शोन इन फिगर इज टी नॉट, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं ये पानी में है, ठीक है भैया, कह रहे टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द सॉलिड ब्लॉक, इसमें जो टेंशन है बेटा ये टी नॉट है, ठीक है भैया, अब कह रहे हैं अभी सिस्टम रेस्ट पे था, व्हाट विल बी द टेंशन इफ द स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन है, अब अगर एक्सेलरेशन ए कर दें ऊपर को तो क्या हो जाएगी, पहले क्या था, पहले बेटा रो वी जी ऊपर को होगा, ठीक है,
वॉल्यूम इनटू मान लो सॉलिड की जो डेंसिटी थी मान लो डी थी, वी डी जी नीचे को होगा, तो रो वी जी इज इक्वल्स टू वी डी जी प्लस डी नॉट। अब इसको एक्सेलरेशन दे देते हैं ऊपर को, तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो गया तो यहां जो आदमी खड़ा होगा वो क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा भैया, वो खड़ा हुआ भैया। अब देखिए, अब बेटा बॉयंट फोर्स तो रो वी जी इफेक्टिव होते हैं, बता ही चुका हूं, जी प्लस ए आ जाएगा यहां पर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टेंशन कुछ टी हो जाएगी, टी नॉट से कुछ टी हो गई, सही बात है, सही बात है, वीडीजी नीचे को हो गया। अब अगर आपका मन कर रहा है कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखना है, वो कहेगा इक्विलिब्रियम में, और लेकिन वो एक सूडो फोर्स भी लगाएगा, है ना, तो वो वी डी जी प्लस ए आ जाएगा, एम जी के बदले एम जी प्लस ए आ जाएगा। तो अब क्या आएगी इक्वेशन, रो वी जी प्लस ए इज इक्वल्स टू वी डी जी प्लस ए प्लस टी। तो यहां से टी में बेटा फर्क क्या आ गया, रो वी जी माइनस वी डी जी था, यहां पे टेंशन क्या निकल गया कि रो वी जी प्लस ए माइनस वी डी जी प्लस ए। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल बात है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कह दो आया आया सर। तो ये हो गया बेटा आंसर, है ना। तो पहले टेंशन टी नॉट थी, बस खाली कह सकता हूं जी के बदले जी जी प्लस ए आ गया, तो बस मैं इसको ये कह सकता हूं टी नॉट बाय जी इनटू जी प्लस ए। कोशिश करिए ध्यान से फील करने की, आप ये समझिए यहां पे रो वी जी माइनस वी डी जी था, अब यहां पे रो वी जी प्लस ए माइनस वी डी जी प्लस ए, जैसे जी से डिवाइड कर दिया फिर जी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कह दो आया आया सर। बहुत शानदार बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। हाँ हालांकि है आसान, पर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा, है ना, कोई खास मुश्किल बात नहीं है, है ना। चलिए ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल पीस ऑफ मास 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इलोंगेट्स 10 सेंटीमीटर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ टू कीप द पीस इन इक्विलिब्रियम, अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज नाउ प्लेस्ड बिलो द पीस सो एज टू इमर्स द पीस कंप्लीटली इन वाटर, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, है ना, डेंसिटी मेटल की 9000 है और जी को कह रहे 10 एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा पहले पहले जब वो एयर में था, है ना, हमने क्या किया 10 ग्राम का एक पीस लटकाया, 10 ग्राम का एक पीस लटकाया, है ना, जिसकी डेंसिटी है बेटा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पहले वो 10 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है, जब उसके नीचे उसको पानी में डाल दिया स्प्रिंग के साथ लटका के, तो बेटा तब कितना इलोंगेशन आएगा ये बताना है। ऐसे करता हूँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड बस, पहले सिचुएशन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है प्यारे बच्चों, जब हवा में देखा तो इलोंगेशन आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जब इसी को पानी में डाल दिया तो कुछ कम आएगा, दिखा भी रखा मैंने कुछ कम आएगा, क्योंकि कुछ बॉइंट फोर्स आ जाएगा, तो उतना खिंचाव नहीं आना पड़ेगा ना बेटा, उतना जोर से नहीं खींच रहा नीचे को, पहले mg से खींच रहा, अब mg माइनस रो वी जी से खींचेगा, कह दो आया। बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि x1 मान लो पहले इलोंगेशन x1 था जिसकी वैल्यू 10 है मैं जानता हूं, वो होगा vdg के बराबर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, बाद में kx2 जो ऊपर को फोर्स आएगा, पहले kx1 आ रहा था, vdg पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब साथ में एक रो vg भी है, तो kx2 plus रो vg बराबर vdg होगा, करेक्ट है, करेक्ट है, तो kx2 is equals to क्या देगा, vdg minus रो vg, तो x1 by x2 क्या देगा प्यारे बच्चों निकल के, x1 10 है मालूम है, vg तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, है ना, कतले आम हो जाएंगे भाई, डेंसिटी इसकी 9000 थी, खाली डी अपॉन डी माइनस रो, अब 9000 माइनस वाटर की डेंसिटी होती 1000, तो नीचे क्या जाएगा 8000, ये 10 सेंटीमीटर x2 निकालना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा और आप बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना।
मैं फिर बता देता हूँ बेटा, पहले के एक्स वन बराबर वी डी जी, बाद में क्या हो गया बेटा, के एक्स टू प्लस रो वी जी बराबर वी डी। तो के एक्स टू क्या हो जाएगा, वी डी जी माइनस रो वी जी, के एक्स टू प्लस रो वी जी बराबर वी डी जी। तो के एक्स टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, वी डी जी माइनस रो वी जी। आया, बिल्कुल आया, आएगा कैसे नहीं भैया, बहुत ही सिंपल है ये, के एक्स टू आ गया, के एक्स वन था वी डी जी, बहुत ही सिंपल, बड़े आराम से हम कर पाए हैं, आई होप कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक ऑफ एच 3 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर। ठीक है भैया, कह रहे हैं एक क्यूबिकल ब्लॉक है प्लास्टिक का, वाटर में फ्लोट कर रहा है। द लोअर सर्फेस ऑफ द क्यूब जस्ट टचेस द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉट। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं जस्ट टच कर रहा है उसको। देखो पहली बात बेटा, और जो प्लास्टिक है उसकी डेंसिटी दे रखी 800, कह रहे कितना मैक्सिमम वेट रखे हैं उस पे प्लास्टिक पे, प्लास्टिक के ब्लॉक पे, ताकि वो वेट जो है वो गीला ना हो। ओके ओके, मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट सो दैट द ब्लॉक द वेट डजंट गेट वेट। तो बेटा पहली बात, ये कितना पानी में रहेगा बेटा, अगर इसकी डेंसिटी जो है रो सॉलिड इंटू स्मॉल वी इंटू जी, ये हो गया वेट, है ना, रो सॉलिड इंटू कैपिटल वी सॉरी। और अगर मान लो पानी के अंदर स्मॉल वी वॉल्यूम है, तो रो लिक्विड इंटू स्मॉल वी इंटू जी। तो कैपिटल वी में से स्मॉल वी पानी के अंदर, तो वन में से कितना पानी के अंदर होगा, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, जो कि कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आएगा जी जी कट जाएगा, ये निकल के आएगा रो एस बाय रो एल। और रो एस दे रखा है क्वेश्चन में 800 और रो एल दे रखा है बेटा 1000, तो ये आ गया 0.8। वन में से 0.8 पानी में है और 3 सेंटीमीटर की साइड लेंथ है, तो 3 में से 3 × 0.8 मतलब 2.4 सेंटीमीटर पानी में, करेक्ट है, करेक्ट। और अभी जस्ट टच कर रहा है, अभी कंडीशन क्या है, जस्ट टच कर रहा है, मतलब वो कॉम्प्रेस नहीं कर रहा है स्प्रिंग को, है ना। अब बेटा मेरे को यहां पे एक मास रखना है, ताकि बेसिकली इसको 0.6 और नीचे करना, वो गीला ना हो तो उसको बस 0.6 और नीचे करना। कितना मास रखें, 0.6 नीचे करेंगे। अच्छा, जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है मेरे को 100, तो स्प्रिंग में टेंशन क्या जनरेट हो जाएगी, 100 × 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 × 100 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 100 गया तो 0.6 न्यूटन, इसके कारण 0.6 फोर्स आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो 0.6 तो इसको बियर करना है, प्लस अभी तो इक्विलिब्रियम है ना, तो एक्स्ट्रा जो फोर्स आएगा वो kx आएगा, या जो इतना पार्ट जब पानी में जाएगा तो इसका भी 0.4 से आएगा, और ये पार्ट कितना है 0.6, है ना, ये जो इसकी वॉल्यूम है कितनी बाहर है बेटा, मैं बस आपको इतना कहता हूं, तो कितनी वॉल्यूम बाहर है, वही तो पानी के अंदर जाने वाली है। जो पहले पानी के अंदर थी वो तो इसके वेट को बैलेंस कर रही थी, जो एक्स्ट्रा जाएगी वही उसके कारण एक्स्ट्रा फोर्स आएगा ऊपर को, तो ऊपर को एक kx एक्स्ट्रा आएगा, और एक इसके पार्ट के कारण, जो ये पार्ट अंदर है उसके कारण बॉयंट एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स है, चेंज इन बॉयंट फोर्स, मैं दो तरीके से करके दिखा दूंगा, अगर आपको जो पसंद है वो आप फॉलो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स क्या है बेटा, टोटल वॉल्यूम है इसकी 3 क्यूब, दैट इज 27 × 10⁻⁶, ठीक है, और पानी के बाहर कितना पोर्शन है, 1 में से 0.2 बाहर, 1 में से 0.8 अंदर, 0.2 बाहर, तो 1 में से 0.2 बाहर, तो इतने में से इतना इतना बाहर था, इसको अंदर ले जाएंगे तो इसके कारण जो है रो वी जी, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ये 4 जीरो हटेंगे तो यहां पर 10⁻²⁺ आएगा, ठीक है, 10⁻²⁺, और ये भी हटाइए 10⁻³⁺, 27 टू का क्या गया 54, तो 0.054, तो एक्स्ट्रा पॉइंट फोर क्या है 0.654 बराबर mg कर दीजिए, और यहां से जो मास आ जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना निकल के आ जाएगा 0.0654, है ना, और किलोग्राम में, ये तो किलोग्राम में, ग्राम में कितना हो जाएगा × 1000, ग्राम में कितना हो जाएगा × 1000, दैट इज 65.4। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे से खाली वेट पूछ रहे कितना वेट हो, तो वेट अगर बेटा पूछेंगे तो वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, मास ये है ना, तो m × g से वेट, ये mg तो है, डायरेक्टली वेट निकाल ली 0.654,
एंड दिस इज द आंसर। 0.65 दे रखे, 0.65 कह लीजिए, 0.654 बात एक ही है। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, एक्स्ट्रा फोर्स जो आया वो कितना आया? बेटा मेरी बात सुनिए, kx तो एक एक्स्ट्रा आएगा, kx कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बेटा 1 में से कितना अंदर था? 0.8 अंदर था, तो 3 में से 3 into 0.8, 2.4 अंदर था, 0.6 बाहर, तो अभी 0.6 को अंदर करना है, 0.6 सेंटीमीटर, तो उसके कारण kx एक्स्ट्रा फोर्स आएगा जो 0.6 न्यूटन है। जो ये जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर जाएगी उसके कारण रो वी जी आएगा, तो रो वी जी प्लस kx के लिए ही तो mg डालना है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट फोर्स आएगा वो कितना होगा? बेटा जो वॉल्यूम है टोटल ब्लॉक की वो क्या है? 3 क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में 3, और 27 × 10⁻⁶ भी बोल सकते हैं, ठीक है, 27 × 10⁻⁶ इसकी टोटल वॉल्यूम है। 1 में से 0.2 बाहर है, तो 27 × 10⁻⁶ में से × 0.2 इतनी बाहर थी, रो वी जी, ये हो गया जो एक्स्ट्रा पॉइंट फोर्स है। इसको और इसको ही तो बैलेंस करना है बस बेटा, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है 0.654, उतना ही वेट डालना पड़ेगा, तो 0.654 न्यूटन। पर अगर आपको लगे ऐसे नहीं करना है, हम तो टोटल फोर्स को ही बैलेंस करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए। अब क्या कहेंगे? अब जो ऊपर से आपने जो मास रखा वेट, ये आपको चाहिए, ये आपको निकालना है, एमजी की वैल्यू ही निकालनी, एम नहीं निकालना, प्लस इसका खुद का वजन कितना होगा भाई? 27 × 10⁻⁶, ये क्या हो गई? वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी 800, वीडीजी, ठीक है, ये नीचे को हो गया वीडीजी प्लस एमजी, ये नीचे को हो गया। अब ऊपर को क्या होगा? केएक्स, 0.6 ये दबेगा, तो केएक्स, के कितना है? 100, 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6/100 ये हो गया केएक्स ऊपर को। आया समझ में? नहीं है बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया इसका वेट प्लस mg, इसका वेट आपको निकालना है, और ऊपर को क्या है? kx प्लस बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों? रो 10⁻³, और वॉल्यूम के 27 × 10⁻⁶ इंटू जी। बस बेटा आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी, यहां से mg निकाल लेना है, आई होप बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे, है ना। अगर आपको लगे कि मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं, चलिए मैं कर देता हूं, मैं मदद करता हूं कि 0.6 प्लस इसको उधर ले जाइए, इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन, 27 × 10⁻⁶ कॉमन है, ये 10 भी कॉमन है, और ये 2 0 100 भी कॉमन है, तो 27 × 10⁻⁶, ठीक है, ये कॉमन है, 100 कॉमन है, और ये 10, तो 1000 ले लीजिए, तो बचेगा क्या बेटा यहां पे? यहां पे बचेगा 10, इसमें बचेगा 10, क्योंकि इसमें 100 का 100 कॉमन लिया, तो 10 बचा यहां पे, तो 10 − 8 2 आ जाएगा बेसिकली। और आप देखिए बेटा वही कैलकुलेशन आ गई, 27 × 54, ठीक है, 54 × 10⁻³, 0.054 प्लस 0.6, 0.654, अरे वाह वही आंसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं हमारे पास एक क्यूब है, काफी बड़ा क्यूब है, उसमें एक होल कर दिया है और उसको पानी में डाल दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं बताइए कि कितनी लेंथ की रोप चाहिए होगी उस होल में से पानी भर के बकेट का बाहर निकालने के लिए। आइए क्वेश्चन में आपको फिर बताते, कहते एक बहुत लार्ज क्यूब है, एक बहुत बड़ा क्यूब है, है ना, अ वेरी लार्ज क्यूब। क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस क्यूबॉइड, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, ऑफ हाइट एल, हाइट उसकी एल, ठीक है, एंड डेंसिटी 0.9 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू, ठीक है, हैज अ लार्ज वर्टिकल होल अलोंग इट्स एक्सिस, द ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लेक, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड टू रेज अ बकेट ऑफ वॉटर थ्रू दी होल, ठीक है भैया, यहां पे ये है और इसमें होल है। अब बेटा इसका कुछ पार्ट पानी में होगा और कुछ बाहर होगा। अब बेटा कई बार बता दी, कितना पानी में होगा? 0.9। अगर आपको लगे कि नहीं हम ऐसे डायरेक्टली नहीं याद रखेंगे, तो बेटा रोह सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी, ये नीचे को है, रो लिक्विड दैट इज रो वॉटर इंटू कितना बेटा वॉल्यूम पानी में, स्मॉल वी इंटू जी,
तो बेटा वी पानी में है, वी आइस में से, तो वन में से कितना पानी में, वी बाय वी आइस, जो कि कितना निकल के आ जाएगा, वी बाय वी आइस कितना निकल के आ जाएगा, रो आइस, रो सॉलिड मतलब रो आइस अपॉन रो लिक्विड, और रो सॉलिड जो है वो 0.9 टाइम्स ऑफ वो रो लिक्विड दे रखा है, तो वन में से 0.9 पोर्शन पानी में, तो एच में से 0.9 H पानी में, ठीक है। तो यहां तक पानी आया हुआ बेसिकली इसमें, ये यहां तक पानी 0.9 H पानी में, तो 0.1 H ऊपर है, 0.1 H दैट इज एच बाई 10। तो कितने लेंथ की रोप चाहिए होगी बेटा पानी बाहर निकालने के लिए, एच बाई 10, कितने लेंथ की चाहिए होगी बेटा, एच बाई 10, एंड दिस इज द आंसर, है ना। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। अच्छा अगर लेंथ ऑफ होल को अगर एल कह देंगे तो हम एल बाई 10 कह देंगे, अगर एच कह देंगे तो एच बाई 10 कह देंगे। बेटा 0.9 H पानी में, तो 0.1 H ऊपर है, तो यहां से कोई बकेट डाल के पानी निकालना चाहते, कितने लेंथ की बकेट, कितने लेंथ की रोप चाहिए होगी, एच बाई 10, कितने लेंथ की चाहिए होगी, एच बाई 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते, एक करेंगे टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन, और उस बेटा अब ये जो दो वैरायटी के क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं बहुत ध्यान से। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे बच्चों, अब एसएचएम वाला क्वेश्चन है, अगर एसएचएम आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोई खास दिक्कत की बात तब भी नहीं है बेटा। हमको प्रूव करना है कि ये सपोज कर एक वुडन सिलेंडर है ना, ये अभी फ्लोट कर रहा है, अभी इक्विलिब्रियम में है ना। अब हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, और जब हम छोड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं ऑसिलेट कर रहा है, प्रूव दैट इट विल अंडरगो एसएचएम एंड हेंस कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, कैसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। जब इसको देखो बेटा अभी इक्विलिब्रियम में, mg और इस पार्ट पे जो रो vg वो तो बैलेंस कर रहा होगा, मतलब एक नीचे को फोर्स है जो कि mg है, एक ऊपर को फोर्स है जो बॉयंट फोर्स है, जो कि बराबर होंगे दोनों। अब बेटा जब जैसे ही इसको आप x नीचे करोगे तो जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स आएगा इतने पार्ट के कारण, रो ए एक्स जी, ए एक्स एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम अंदर गई, रो वी जी ये जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स आया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, कंपेयर इट विद एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए बेटा, पहले जो फोर्सेस थे बॉयंट फोर्स एम जी, पहले वाले बॉयंट फोर्स को नहीं देखना है, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है रो ए एक्स जी, बस रिस्टोरिंग फोर्स जब भी प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए तो इसका मतलब है जैसे नीचे की एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है ऊपर को, इसका मतलब पार्टिकल वापस आना चाहेगा, बॉडी वापस आना चाहेगी, तो बॉडी वापस आना चाहेगी तो ऑसिलेशन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, और रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, एंड हेंस इट विल अंडरगो एसएचएम, कंपेयर इट विद एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकालो 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो, अंडर रूट ऑफ रो ए जी बाय एम, बस अब ओमेगा को 2 पाई बाय टी के बराबर कर दीजिए, टाइम पीरियड निकाल डालिए ठाए से। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, कोई खास बड़ी बात नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, लेकिन इसी की जगह अगर स्फेयर होता तो जो भी हमने रो ए एक्स जी का, वहां पर एरिया हो सकता है कांस्टेंट ना रहता, मान लो इतना डूबा होता, अब नीचे करते हो एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, आप समझ पा रहे हैं, यहां पर एरिया इतना था, तो रो ए एक्स जी में भी हमने कहा जो रिस्टोरिंग फोर्स है प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, लेकिन यहां पर एरिया भी कांस्टेंट नहीं रहता, एरिया भी उसकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर जाता है ना। तो बेटा यहां पर कभी कभी लेकिन स्फेयर पे भी क्वेश्चन आता है एसएचएम का, वो किस तरीके से आता है आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। कह देंगे एक वुडन स्फेयर है जिसकी डेंसिटी इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इट विल अंडरगो एसएचएम, एंड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन कह देंगे, इसमें तो बड़ा ऑसिलेशन होगा तो भी एसएचएम रहेगा, लेकिन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं देखो अगर डेंसिटी हाफ कह रखी है, मैं आपको याद दिला दूं कोई भी शेप की बॉडी हो अगर स्मॉल वी पानी के अंदर है तो रो एल वी जी ये बॉयंट फोर्स आया, और रो सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी ये एम जी हो गया वेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो बेटा स्मॉल वी पानी के अंदर है, कैपिटल वी में से, वन में से कितना पानी के अंदर है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज, और वो क्या आ जाता है रो एस बाय रो एल, जिसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है यहां पे आप देखिए ध्यान से, हाफ दे रखी है ना, डी बाय रो डब्ल्यू मेरे को हाफ दे रखा, तो आधा पानी में। इसका मतलब बेटा अब जब मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा तो थोड़े से के लिए तो मैं मान सकता हूं एरिया वही का वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर है ना। तो बेटा अगर कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कह दें कि एक स्फेयर है जिसकी डेंसिटी हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो मतलब आधा पानी में डूबा हो, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूं। अब कह दें इसको अगर थोड़ा सा अगर अंदर करेंगे बेटा, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कंडीशन तो यही है ना, थोड़ा सा जब अंदर करें तो एरिया आप यही मानिए,
अब अगर एक्स अंदर की कह रहे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इट विल अंडरगो एसएचएम, तो एक्स्ट्रा पॉइंट फोर्स क्या पाई आर स्क्वायर एरिया ए इंटू एक्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर भी रो ए एक्स जी, ये आ गया एक्स्ट्रा फोर्स, और एक्स्ट्रा फोर्स ही रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, कंपेयर इट विद एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकालिए 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालिए। तरीका क्या था बेटा, बस बेसिकली आपको देखना होता है जो भी एक्स्ट्रा फोर्स आया, जब भी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वही, क्योंकि पहले जो फोर्सेस लग रहे थे जो एक्स्ट्रा फोर्स है वही तो वापस लेके आएगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा प्यारे बच्चों वही तो वापस लेके आएगा, बस एक्स्ट्रा फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो होती है एसएचएम की कंडीशन, कंपेयर इट विद एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकालो और 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो। बहुत शानदार, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया काम खत्म एक क्वेश्चन का। आइए अब बेटा मैं बस आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसका कुछ फ्रैक्शन पानी में है, जो मैंने कई बार निकाल दिया, और वो कितना आता है बेटा, वो आता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अभी भी निकलवाया था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कहते कंटेनर जो है ये अगर एक्सेलरेट कर जाए, है ना, ये ऊपर को अगर एक्सेलरेट कर जाए, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड पे। अब बेटा मैं बस आपको यही कहूंगा, जो बॉयंट फोर्स आएगा वो रो वी जी या रो एल वी जी के बदले रो एल वी जी प्लस ए हो जाएगा, और बेटा जो नीचे को फोर्स आना था एम जी, वो भी एम जी के बदले एम जी प्लस ए हो जाएगा, या मेरे को कहना चाहिए रो एस वी जी प्लस ए, तो दोनों में ही जी प्लस ए आ गया, तो बेटा उसने कट जाना है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है वो तो वही की वही रहेगी, जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है प्यारे बच्चों वो तो वही की वही रहेगी। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है, अगर कंटेनर है ना किसी लिफ्ट में भी है, तो भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से देख के समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो यहां पर क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, और यहां पर एक इसके अंदर एक स्फेयर है ना। अब कह रहे हैं बेटा ये अभी मतलब इसमें कंडीशन क्या है, कह रहे जो इसकी एवरेज डेंसिटी, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, एवरेज डेंसिटी ऑफ स्फेयर इज डेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, v वॉल्यूम का मास m है, तो और कहने इसका सेंटर ऑफ मास ना बिल्कुल इस लाइन पे लाया करता है, सिमेट्री वाली लाइन पे, और थोड़ा सा इधर लाया करता है राइट साइड, और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो o है। ठीक है, तो बेटा आप कंडीशन क्या है, मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे को ऑप्शन दे रखे हैं कि जब हम अभी मैंने मान लो इसको पकड़ रखा है, अब छोड़ेंगे तो o के बारे में पूछ रखा है, o ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, बॉडी कंप्लीटली किधर को घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास 10 ऑप्शंस हैं प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि क्या क्या होगा। सबसे पहली बात बेटा देखिए, जो टोटल वेट है, जो टोटल वेट है एवरेज डेंसिटी, और वो तो लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है, एवरेज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, या रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी, जो बॉयंट फोर्स है, वो तो जितना बॉयंट फोर्स है उतना ही वेट है, तो इसका मतलब टोटल फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स क्या है प्यारे बच्चों, जीरो है, पर जो एम जी है वो यहां पे लगेगा और जो रो वी जी वो यहां पे है बराबर, पर थोड़ा इधर, टोटल फोर्स जीरो है बेटा, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, ये हम पढ़ते हैं ना बेटा सेंटर ऑफ मास में, टोटल फोर्स बेटा जो एक्सेलरेशन एफ बाय एम से जो एक्सेलरेशन आता है किसका आता है, एक्सेलरेशन आता है वो सेंटर ऑफ मास का। ठीक है बच्चों, अब बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, दैट इज सी का एक्सेलरेशन जीरो, तो ये भी गलत, ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब ओ का एक्सेलरेशन किधर को होगा, उससे पहले ये देख लेते हैं। अब बेटा ये तो पक्का है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है,
तो आप ये कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मान लो कोई कह दे इसको छोड़ा तो कहां से पास करेगी, जिसका एक्सेलरेशन जीरो है वहीं से ही पास करेगी। जिसका एक्सेलरेशन जीरो है बेटा, अगर बॉडी घूमनी स्टार्ट हो रही है तो अगर बॉडी घूमनी स्टार्ट करे तो जिन पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब जो पॉइंट एक्सिस पे होंगे वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, तो उन्हीं का ही बेटा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उन्हीं का ही एक्सेलरेशन जीरो है, वहीं से ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगी। तो कोई ये पूछता एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करेगी, तो सी से पास करेगी। अब टॉर्क किधर को आ रहा है, इसके कारण इधर को आ रहा है ना, तो बेटा अगर टॉर्क किधर को आ रहा है तो घूमेगी किधर को, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगर ये इधर को घूमेगी तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर को आएगा, आर अल्फा ऊपर को ही आएगा, तो ये ऊपर को जाएगा। कितने ऑप्शन सही हो गए, दो। अगर मान लो कोई कहता सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, वैल्यूज देता आई, तो बेटा हमको करना क्या होता बेटा, रो वी जी इंटू जो भी ये डिस्टेंस होता x, जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन होता, रो वी जी इंटू x बराबर आई अल्फा कर लेते और यहां से आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ सकते थे, और फिर ओ का एक्सेलरेशन क्या होता, ओ का एक्सेलरेशन होता एक्सेलरेशन ऑफ ओ विल बी x अल्फा, क्योंकि अभी घूम तो रहा है नहीं ना, ओमेगा जीरो है बेटा, दो एक्सेलरेशन होते हैं ओमेगा स्क्वायर r रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन x अल्फा, तो बेटा तब भी हम कर सकते थे है ना। थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशन यूज हो रहा है, अगर भूल गए तो एक बार रिवाइज कर लेंगे है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा है ना। लेकिन मैंने आपके सामने काफी बढ़िया सी कंडीशन रखी, मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो को आप दो बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए है ना। सबसे पहली बात बेटा, एवरेज डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम है, तो mg और रो vg सेम आने वाला है, रो एवरेज vg और रो lvg बेटा बराबर है, टोटल फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूमेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बस अब टॉर्क किधर को आ रहा है, इधर को क्लॉकवाइज, तो बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, एक्स अल्फा इसका एक्सेलरेशन ऊपर, दैट इज ये ओ जो है वो ऊपर को जाएगा, खत्म, आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल सिंपल है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए ऐसा करते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े से रोटेशन वाले ही क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 12 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हिंज्ड एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ अ टैंक एज शोन इन फिगर, द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट एल। बेटा एक टैंक है, एल हाइट तक भरा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, और उसमें एक वुडन प्लैंक है जिसकी लेंथ 12 है, जिसकी लेंथ क्या है प्यारे बच्चों, 12, और यहां से हिंज्ड है, यहां से हिंज्ड है, और ये थीटा बेटा ये अननोन है, यही मेरे को बताना है, ठीक है। कह रहे हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लैंक इज 0.5, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है भैया। अब पूछा क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे पूछा है मेरे से है फाइंड द एंगल थीटा द प्लैंक मेक्स विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, आइए करते हैं। कह रहे एक्सक्लूडिंग द केस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पे तो इक्विलिब्रियम में रह ही सकता है, अब किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम में रहे तो वो बता, चलिए आइए। सबसे पहली बात, इसकी लेंथ 12 है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो बिल्कुल सेंटर पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड है, और वो कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, ए इंटू 12, ये होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये हो गया वेट, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये कहां पे लगेगा, एल पे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कितना पोर्शन पानी में, एक्स मान लेते हैं, और एक्स होगा क्या, एल अपॉन कॉस थीटा, बेटा बेस अपॉन कॉस थीटा हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस होगा बेस अपॉन कॉस थीटा, दैट इज एल अपॉन कॉस थीटा, ये जो लेंथ हो जाएगी यहां से लेके यहां तक ये एल अपॉन कॉस थीटा हो गई, ठीक है ना। अब इस पे पॉइंट फोर्स लगाना है, ये वॉल्यूम समर्ज पार्ट की वॉल्यूम आ गई, और वो कितना आएगा, रो वाटर इंटू ए इंटू एल बाय कॉस थीटा इंटू जी, ठीक है, और कहां पे लगेगा बेटा,
वो लगता है सेंटर ऑफ बॉयंसी पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, दैट इज उस जगह पे अगर पानी होता तो जहां उसका सेंटर ऑफ मास होता, दैट इज अगर इसको x कह दूं तो x बाई टू पे, करेक्ट है। अब बेटा हिंज से कुछ फोर्स आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, किधर को आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल पक्का है, दो फोर्स अगर y में तो तीसरा भी y में हो तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में, x में तो नहीं हो सकता, fx तो पक्का जीरो ही होगा। अब इसके अबाउट बेटा, अब fy में से पूछा नहीं तो मैं निकालूंगी, मेरे से थीटा पूछा निकालो, मैं बिल्कुल निकालूंगा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस करके, ठीक है। अब अगली बात प्यारे बच्चों ये है कि अब टॉर्क बैलेंस करें, ds डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ए इंटू टू एल इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या होगा, एल साइन थीटा। अगर ये थीटा आप कह सकते हैं ये भी थीटा है, ये एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका जो टॉर्क आएगा सर वो कितना आएगा, बस ये फिगर में हॉचपॉच हो रही, चीजें ज्यादा है इसलिए ऐसा करता हूं, मिटोता जाता हूं एक बार एक एक करके चीजें, ये दोबारा बना लेते हैं। अब बेटा ये L है, ठीक है, तो ये अगर L है, ये अगर L है तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, L by cos theta, ये क्या होगा L by cos theta, ठीक है। तो बेटा इस पे जो बॉइंट फोर्स आएगा बेटा वो कितना आएगा, रो वाटर इंटू ए इंटू एल बाय कॉस थीटा, ठीक है, एल बाय कॉस थीटा, ये हो गई रो ए एक्स जी, ये हो गया बॉइंट फोर्स। अब अगर ये एल बाय कॉस थीटा तो आधा कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, एल बाय टू कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये चीज इसके अबाउट ले रहे फोर्स इंटू परपेंड, ये क्या हो जाएगा एल बाय टू कॉस थीटा साइन थीटा, एल बाय टू कॉस थीटा ये चीज है इंटू साइन थीटा, तो रो वॉटर इंटू ए एल बाय कॉस थीटा, एल बाय कॉस थीटा इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गई पानी के अंदर, रो वी जी, ये हो गया बॉइंट फोर्स, एल बाय टू कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया बॉइंट फोर्स। बस बेटा क्वेश्चन, अब क्या कर दो, कत्लेआम कर दो भैया, इधर उधर से काटा पीटी करो, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या गिवन थी, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय टू, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है डेंसिटी ऑफ वाटर बाय टू, आप लिख सकते हो, ए काटो एल काटो जी काटो एल काटो, ए काटो एल काटो जी काटो एल काटो, हो गया साइन थीटा को भी काटो, साइन थीटा को भी काटो, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, रो एस है रो डब्ल्यू बाय टू, यहां पे रो डब्ल्यू बाय टू लिखो, ये भी कटेगा टू ऊपर जाएगा, और एक टू यहां पे, ठीक है, ये टू इससे कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया वन बाय टू, कॉस थीटा आ गया प्यारे बच्चों वन बाय रूट टू, दैट इज थीटा आ गया प्यारे बच्चों पाई बाय फोर, थीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों निकल के पाई बाय फोर, थीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों निकल के पाई बाय फोर, है ना। ऐसा करते हैं इसको एक बार और देख लेते, पर्टिकुलर वैरायटी जो है थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है जानता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए दोबारा से देखते हैं, आइए बच्चों एक बार क्वेश्चन वाला फिर से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रोटेशनल इन्वॉल्व था, है ना, जो रोटेशन का नाम आता है थोड़ा सा आप लोग डर जाते हैं, हम जानते हैं बहुत कायदे से, आइए एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन आप एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, यहां से बेटा हिंज्ड है ना, ये आज का आखिरी सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, है ना, आइए देखिए। तो बेटा ये 2L लेंथ की रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास L पे आएगा, तो A इंटू 2L ये क्या हो गई वॉल्यूम टोटल बॉडी की इंटू रो सॉलिड, है ना, रो वी जी, ये आ गया बॉइंट फोर्स, है ना, और बेटा सॉरी ये तो आ गया वेट, बॉइंट फोर्स तो इस पार्ट पे होगा जो पानी के अंदर है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी इसके मिड पॉइंट पे आएगा, ये क्या आएगा रो W, है ना, या रो लिक्विड कह सकते थे आप, है ना, जो कि मेरे को रो S तो मेरे को कह रखा है रो W बाय टू है, रो W इंटू A, ये अगर L है, ये जो चीज L तक अगर पानी भरा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा L बाय cos थीटा, ये चीज क्या हो जाएगी L बाय cos थीटा, A L बाय cos थीटा, ठीक है, रो W A L बाय cos थीटा, ये चीज हो गई इंटू G, ये हो गया बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब बेटा सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे होगा, L बाय टू cos थीटा पे, तो ये चीज हो जाएगी L बाय टू cos, ये L बाय cos थीटा तो ये L बाय टू cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इस पे, ठीक है, तो रो W इंटू ए एल बाय कॉस थीटा
इंटू जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा नीचे था, एल बाई टू कॉस थीटा ये चीज, एच साइन थीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रो सॉलिड इंटू ए इंटू टू एल इंटू जी इंटू एल बाय इंटू एल साइन थीटा, क्योंकि एल एल पे सेंटर ऑफ मास होगा, एल साइन थीटा। बेटा बड़े आराम से आप काटा पीटी करिए, कॉस थीटा निकाल डालिए, कॉस थीटा वन बाय रूट टू आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 45, कॉस थीटा वन बाय रूट टू हो जाएगा और थीटा आ जाएगा 45, है ना। ये आपकी काटा पीटी है, मेरे को लगता है बड़े आराम से कर लेंगे। रो एस है रो डब्ल्यू बाई टू, यहाँ पे चलिए पुटी कर देते हैं, रो डब्ल्यू बाई टू काटा काटा ए एल जी एल काटा ए एल जी एल काटा, साइन थीटा को भी काटा, साइन थीटा को भी काटा, कॉस थीटा टू को भी काटा, कॉस थीटा वन बाय रूट टू निकाला, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, ये टू बचा हुआ इधर आ जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस अब आपको करना क्या बेटा, एक बार अपने हाथ से लिख के इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ऐसी पर्टिकुलर वैरायटी होती है जो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, तो एक बार क्या करेंगे हाथ से लिख के कर लेंगे। जैसा कि कहा था ये आज का आखिरी सवाल है, बस बेटा यही आखिरी क्वेश्चन था, है ना। आपको करना क्या है बेटा, बहुत ध्यान से रिवाइज कर लेना, हालांकि कल की क्लास में मैं दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा स्टैटिक्स के ही, फिर हम डायनेमिक्स पे चालू करेंगे। स्टैटिक्स एक पोर्शन रहता है जिसमें थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन बन जाते हैं, डायनेमिक्स सुनने में तो थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, चल रहा है तो शायद ज़्यादा टेढ़ा होगा, लेकिन डायनेमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, है ना, इन कंपैरिजन टू स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में भी आपको दिक्कत तभी लगती है जब खासतौर पे रोटेशन आने लगती है, तो ये रोटेशन वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी रोटेशन पे, है ना, और एक और वैरायटी से भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इसी रोटेशन के वैरायटी पे ही, है ना, कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल होता है। हल्का सा हिंट तो आज के लेक्चर में दे चुका हूं, कल उसको बहुत अच्छे से समराइज कर दूंगा। प्यारे बच्चों बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, मेहनत करते रहे बढ़िया करके बेटा, है ना। हल्का सा डिफिकल्ट टॉपिक आया तो बेटा मैं कोशिश उस टाइम यही करता हूं कि उस टाइम वीडियो की लेंथ एक घंटे तक भी नहीं पहुंचाता हूं, कोशिश करता हूं 4-5 मिनट कम ही रखूं, है ना, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको हजम कर लें, क्योंकि साथ में होमवर्क की वीडियोज भी रहती हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं जानता हूं कि जो डे होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, है ना, ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे तो वैसे ही पर सब्जेक्ट चला ही जाता है इंक्लूडिंग होमवर्क। तो बेटा कोशिश बस आप लोग यही करेंगे कि थोड़ा सा एक बार, लेकिन मेहनत से लगे रहें, जो लोग मेहनत से लगते हैं बेटा वो पक्का कामयाब होते हैं। तो बेटा बढ़िया करके बेटा आप लोग मेहनत करते रहें, और हम मिलते हैं कल आपके साथ फिर से फ्लूइड्स की लेक्चर नंबर 6 के साथ, जहां पर कल हम डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे और स्टैटिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।